बच्चों, ऑनलाइन क्लासेज में फिर आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज मैं वीडियो के माध्यम से क्लास वन चैप्टर थ्री, जिसका नाम है मेरा विद्यालय, उसको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। बच्चों, मेरा विद्यालय से आप बहुत पहले से जुड़े हुए हैं। इस पर जो है पूरे जो है डिटेल कहानी को बताने जा रहा हूँ। बच्चों, इसमें कुछ कठिन शब्द है, जैसे हो गया रोज का मतलब होता है प्रतिदिन, आदर्श, उत्तम, समय पालन, समय पर सब कार्य करना। अब बच्चों, हम लोग इस चैप्टर को जानते हैं। इसमें है, यह मेरा विद्यालय है, यह मेरे घर के पास ही है, मैं रोज पैदल ही विद्यालय जाता हूँ। मोहन बस से विद्यालय आता है, उसका घर गांव में है। कहने का मतलब है बच्चों कि बहुत ऐसे भी विद्यार्थी होते हैं जिनके पास में ही विद्यालय होता है, और बहुत ऐसे विद्यार्थी होते हैं जिनको घर के पास में नहीं, थोड़ा दूरी पर विद्यालय होता है। जो बच्चा बहुत सारे बस की सहायता से, टेम्पू की सहायता से, या प्राइवेट गाड़ी से आते जाते हैं, या स्कूल गाड़ी से आते जाते हैं। मेरे विद्यालय में 10 कमरे हैं, कहीं कहीं विद्यालय में 10 कमरे, 20 कमरे, 5 कमरे होते हैं। सब कमरे बड़े बड़े हैं। इस विद्यालय में लगभग 300 बच्चे पढ़ते हैं। समझिए बच्चों, की छोटा विद्यालय होगा, 300 बच्चा कहीं होगा। विद्यालय के सामने एक सुंदर बगीचा, वह पीछे एक बड़ा खेल का मैदान है। हम सब एक साथ मिलकर वहाँ खेल खेलते हैं। कहने का मतलब है कि बहुत सारा जगहों पर जो है विद्यालय होता है, वहाँ खेल का बगीचा भी होता है, खेलने का साधन भी होता है। तभी जाकर जो है बच्चों, आप बच्चा जो है पढ़ता भी है, और टिफिन में या समय थोड़ा मिलता है तो उसमें जाके खेलता भी है। श्री सत्य प्रकाश जी हमारे प्रधानाचार्य हैं। हर विद्यालय के कोई एक हेड होते हैं, उनका एक नाम होता है। तो इसमें है सत्य प्रकाश जी, जो विद्यालय के प्रधानाचार्य हैं। वे एक आदर्श व्यक्ति हैं। आदर्श का मतलब होता है आइडियल, आदर्श व्यक्ति हैं। वे हमेशा हमें समय पालन का पाठ पढ़ाते हैं। बच्चों, समय की विद्यार्थी जीवन में बहुत ही कीमत होता है। अगर समय से विद्यार्थी कीमत को नहीं पहचाना तो वो जीवन में सक्सेस नहीं कर पाता है। मुझे अपना विद्यालय बहुत अच्छा लगता है। बच्चों, ये भी जान लीजिए कि अपना अपना विद्यालय जो है ना, हर कोई को जो है अच्छा लगता है। तो बच्चों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये चैप्टर को पढ़ाया हूँ। इसको आप ठीक से घर पर भी पढ़ेंगे, और इसको क्वेश्चन सर है उसको भी याद करेंगे। और इतना ही रहने देते हैं।